वर्ष 1998 अजय देवगन के सिने करियर का महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष उन्हें महेश भट्ट की फिल्म जख में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में वह अपने दमदार अभिनय से न सिर्फ दर्शकों बल्कि समीक्षकों का दिल जीतने में भी सफल रहे। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1998 में ही अजय देवगन के सिने करियर की एक और हिट फिल्म म्यूजिक साहब प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार काम करने का अवसर मिला और अजय देवगन अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। धीरे से आ जा रही मम्मा, अतिथि कब आएंगे? अतिथि कब आओगे? जानते हैं, यू गेव मी दिस, यू गेव मी दैट, मुन्ना बोले मम्मा से आई वांट दिस, मुन्ना बोले मम्मा से आई वांट दिस। अतिथि देवो भावा, कब आओगे? बसे अतिथि, अतिथि कब आओगे? अरे एक मिनट यार, एक मिनट, बहुत बहुत सम्मान। हाँ, पजड़ जाए सावन आए, सुन के मेघ मल्हार, मेरी सुन ले ओए अतिथि, जा जा अपने द्वार, बोलो ना कब जाओगे? दिल्ली वाले मामू जान, जौनपुर वाले टिंकू चिंटू, रिमझिम स्वीटी मिन्नी बुआ मेरी मौसी, बोलो ना चाचू जाओ। दोस्तों, फिल्म मेजर साहब में अजय देवगन ने एक मिलिट्री ऑफिसर का रोल अदा किया था और इस फिल्म में अजय देवगन अमिताभ बच्चन जी जो कि मेजर साहब रहते हैं उनसे ट्रेनिंग लेते हैं। दोस्तों, इस फिल्म में अजय देवगन और अमिताभ बच्चन के बीच के कुछ सीन्स थे जो कि बहुत ही जबरदस्त फिल्माए गए थे और इस फिल्म को जब पर्दे पर देखा गया तो जितने भी सीन अमिताभ बच्चन और अजय देवगन के बीच के थे वो सारे सीन्स काफी जबरदस्त थे। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप इस फिल्म का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर देखें और अगर आप देख चुके हैं तो दोबारा देखने में कोई बुराई नहीं है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे यानी नौशाद के साथ और सुनते रहिए सबरंग रेडियो 94.7 FM, सबरंग नई तरंग। सोहबत हो गई,
हो गई। जागा ना सोया हूँ मैं, मुसाफिर खोया हूँ मैं, कुछ सर फिरासा हूँ